नेशनल डिजाइनर अवार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें 260 फैंसी ड्रेसों का कैप व कैटवॉक किया गया। भारतीय कला संस्कृति के साथ ढेरों सामाजिक संदेश भी हैं। विलुप्त होती जा रही गुजरात कच्छ की रोगन आर्ट को कुछ इस अंदाज में खाड़ी पर डिजाइन कर जिंदा रखने की मशक्कत, तो वहीं प्लाजो के अनोखे अंदाज में स्टिच साड़ी में लिपटी मॉडल, कन्याकुमारी से जम्मू तक के आकर्षक परिधान सहित 260 से अधिक ड्रेस डिजाइनरों का जलवा आज वर्ल्ड डिजाइनर फोरम द्वारा उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग से फतेहाबाद रोड स्थित जलसा रिसोर्ट में आयोजित नेशनल डिजाइन अवार्ड में बिखरा, जहाँ भारत की अनेक विशेषता में एकता भी नजर आई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद एसपी सिंह बघेल ने दीप प्रज्वलित कर किया। लगातार 3 बार की मथुरा की ड्रेस डिजाइनर दिव्यांगी गर्ग ने अपना डिजाइन दिया और 10 परिधानों को रैंप के जरिए डिप्रेशन, रेप, एसिड अटैक, ड्रग एडिक्शन, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, सेव अर्थ, सेव पेपर, साइबर क्राइम जैसे संदेश दिए। तो वहीं धमाकेदार म्यूजिक और जगमगाती रोशनी के बीच 60 मॉडलों ने हैंडवर्क, पेंटिंग, ब्रर के साथ विभिन्न फैब्रिक के आकर्षक परिधानों का प्रदर्शन किया। नेशनल डिजाइनर अवार्ड के लिए कन्याकुमारी से केरल तक की 260 ड्रेसें शामिल हुई। नेशनल डिजाइन अवार्ड के लिए भारत के विभिन्न प्रांतों से 200 ड्रेस डिजाइनरों ने 260 ड्रेस शामिल हुई, जिसमें 3 कैटेगरी, पहले अपकमिंग डिजाइनर 0 से 3 वर्ष का अनुभव, दूसरा इमर्जिंग डिजाइनर 3 से 7 वर्ष का अनुभव, इस्टेब्लिश डिजाइनर 7 से अधिक वर्ष का अनुभव। लगभग 47 अवार्ड प्रदान किए गए, जिसमें कच्छ की ज्योति सीजी को बेस्ट इनोवेटिंग ब्रांड ऑफ द ईयर से अवार्ड से सम्मानित किया गया। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। मैं अंकुश नामी, फाउंडर एंड सीईओ वर्ल्ड डिजाइनिंग फॉर देखिए नेशनल डिजाइनर अवार्ड बेसिकली जो है वो फैशन डिजाइनर के पहचान के लिए आयोजित किया जाता है, और अब की बात उत्तर प्रदेश और आगरा के अंदर पहला 5वां संस्करण जो है वो यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें पूरे भारत से 200 से ज़्यादा फैशन डिजाइनर्स को शॉर्टलिस्ट किया गया। कारण ये है कि आज की डेट में शायद फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री युवाओं के लिए बहुत मुश्किल होती है, उनको ये समझना कि फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री के बाद में उनको करना क्या है, वो एक बुटीक्स और एक डिजाइनिंग के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो नेशनल डिजाइनर अवार्ड एक सबसे बड़ा मंच है, देश का सबसे बड़ा अवार्ड है, और मुझे आपको ये भी बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि 29 दिसंबर को भारतीय फैशन डिजाइनर दिवस भी होता है, जिसको हम लोग नेशनल डिजाइनर अवार्ड के रूप में आते हैं। जो महिलाएं हैं, ज्योति जी हो, सीता जी हो, बहुत रिसर्च के बाद ड्रेस पहनाई गई है, तो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे प्रधान पहने जाते थे, राज दरबार में महिलाएं बैठती थी, बराबरी का हक था, आधी आबादी है ये हमारी। तो मैं बहुत शुभकामनाएं दे दूँगा, आगरा के लिए एक अच्छी बात है कि देश भर के डिजाइनर्स और मॉडल्स यहाँ पर आई हैं। मैं चाहता हूँ कि आगरा फैशन डिजाइन का हब बने। वो इसलिए बन सकता है कि केवल फैशन शो यहाँ नहीं होंगे, हमारे पास देखने के लिए ताजमहल भी है, लाल किला भी है, फतेहपुर सीकरी भी है, मौतौला भी है, दयाल बाग भी है, सिकंदरा मकबर का टॉम भी है, तो हमारा आसपास का एम्बियंस बहुत अच्छा है, यमुना जी हैं, मथुरा पास में है। तो मैं जैसे पेरिस जो है ईस्ट की फैशन कैपिटल है, मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की फैशन कैपिटल पहने भले मुंबई के लोग, लेकिन इसको एक हब के रूप में हम लोग विकसित करना चाहेंगे, इसमें भारत सरकार भी सहायता करें।